प्लीज सबर करा दोस्तों, अगस्त का महीना खत्म हो गया है और अक्टूबर महीने के अंदर आपके 3 एग्जाम है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पहले एग्जाम 10 अक्टूबर से, उसके बाद है कांस्टेबल ड्राइवर का, और उसके बाद एग्जाम है 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का। तो भाई जाहिर सी बात है, आपके पास एक महीना ही बचा है, एक से सवा महीना ही बचा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको पेपर के अंदर काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने में सहायता करेंगे आपकी। तो दोस्तों, अपना पहला पॉइंट है कि भाई अपना शेड्यूल चेंज कर लीजिए। काफ़ी दोस्तों को आदत है कि रात को पढ़ते हैं वो और दिन में सोते हैं, रात को पढ़ते हैं। तो भाई अपना वो शेड्यूल चेंज कर लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो होगा सुबह 9 बजे से शाम को 5-5:30 बजे के बीच बीच में। यानी कि मान लो अगर आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटे का है तो सुबह 9 से 10:30 होगा, दूसरी शिफ्ट होगी 10 से 11:30, 2 से 3:30 भी हो सकती है, 4 से 5:30 भी हो सकती है। तो किसी भी टाइम आपका नंबर आ सकता है। अब क्या है दोस्तों, आपको तो आदत है रात को जगने की और दिन में सोने की, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी टाइम आपको नींद आ सकती है अगर आप रात को जागेंगे तो। तो उसके लिए आपको पहले ही मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा। और आपने सुना भी होगा कोई भी काम अगर हम रेगुलर 21 दिन तक करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। तो अपने दिन में पढ़ने की आदत डालो और दिन में सोना बंद कर दो, 9 से 5 के बीच में बिल्कुल सोना बंद कर दो, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना वही हमारा दिमाग उसी चीज़ को रेगुलर कैशे मेमोरी में डालता रहता है और वही हमारे सबसे पहले वही चीज़ें दिमाग में आती है। तो अगर हम आदत है, मान लो किसी को आदत होती है दोपहर को सोने की 12 से 2, और उसी शिफ्ट के अंदर उसका एग्ज़ाम आ गया तो उसको दिक्कत हो जाएगी, उसको पेपर वो टाइम आते ही उसको जैसे 12 बजेंगे उसको नींद आने लग जाएगी। तो इस अपने शेड्यूल को चेंज करो। तो भाई अपना पहला पॉइंट तो हो गया कि आपको अपना शेड्यूल चेंज करना है। दूसरा पॉइंट है आपको बढ़िया से बढ़िया सिचुएशन के अंदर भी पेपर देना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और ख़राब से ख़राब सिचुएशन के अंदर भी पेपर देने हैं। वो क्यों दोस्तों, अब जाहिर सी बात है ये तो है नहीं कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और ये तो है नहीं आपको घर से एग्ज़ाम देना है, आपको किसी सेंटर पे भी जाना होगा। तो वहाँ पे हो सकता है, ये वैसे तो TCS एग्ज़ाम ले रही है, कमरे लैब वगैरह अच्छी होती है, बट फिर भी आप बुरे से बुरी सिचुएशन के अंदर भी एग्ज़ाम दे के देखो। अपने कमरे का पंखा बंद करके देखो, फिर पंखा भी चलाओ, कूलर भी चलाओ, अगर आपके पास AC है तो AC के अंदर भी एग्ज़ाम दे के देखो। क्योंकि कई बार ऐसी आदत होती है, एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर के अंदर ही हो रहा है, हमको घर के अंदर तो देना ही नहीं है, हम देंगे सेंटर पे जाके। उसके लिए हमें कम से कम 1.5 या 2 घंटे की ट्रैवलिंग करनी होती है, और ट्रैवलिंग करने के बाद हम थक जाते हैं, और मान लो AC में आप बैठे हो तो आपको नींद आएगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ ख़राब से ख़राब सिचुएशन के अंदर पेपर देना है, और अच्छी से अच्छी सिचुएशन के अंदर भी पेपर आपको दे के देखना है। तो दोस्तों, आप एक सिचुएशन सोच के देखो, आपको देना है 10 बजे एग्ज़ाम, ठीक है, पहले दिन आपने दे दिया 9 से 10:30 बजे तक, दूसरे दिन आपको देना है 10 से 11:30। अगर आपको 10 बजे से एग्ज़ाम देना है ना तो 8 बजे घर से बाहर निकल जाओ, 1-1.5 घंटा कहीं घूम के आओ, और आधे घंटे पहले अपने घर के बाहर आके बाहर खड़े रहो। क्योंकि पेपर के अंदर तो ऐसा होगा, ये तो होगा नहीं कि आपको जाते अंदर बैठा देंगे, वहाँ पे आपको 10-15 मिनट बाहर सेंटर के खड़ा भी होना पड़ेगा, धूप भी होगी, गर्मी भी होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको फील करनी है, तभी आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने तैयारी करी, जाती है आपने सेंटर में बैठे रहा, आपने पेपर दे दिया, उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिस तरह की आप प्रैक्टिस करते हैं ना उसी तरह आप मेन मैच के अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। हर खिलाड़ी प्रैक्टिस इसीलिए करता है ताकि जो मेन जो मैच हो ना उसके अंदर वो शॉट निकल सके, इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। तो ऐसे ही आपको अपने खराब से खराब सिचुएशन के अंदर भी एग्ज़ाम देके देखना है। मैं ये बता रहा था कि भाई अगर मान लो 10 बजे देना है तो 8 बजे बाहर निकल के 9:30 बजे तक अपने घर के बाहर आके खड़े हो जाओ, कमरे में नहीं आना, अपने घर के बाहर खड़े रहो, जहाँ ना कुछ पंखा है ना कोई AC वगैरह चल रहा है, उस गर्मी को सहो, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट पहले कमरे में आके बैठ जाओ, 15-20 मिनट पहले, और उस कमरे के अंदर बैठ के अपना जैसे पेपर देना है ना उसी हिसाब से 10 बजे एग्जैक्ट शुरुआत करो। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई 1-1.5 या 2 घंटे तक की हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तब जाके हमारा सेंटर आता है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है थक जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ख़राब से ख़राब सिचुएशन के अंदर भी प्रैक्टिस करके देखो। तो भाई ये हो गया तो अपना दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, एक तो अगर आपको मान लो एग्ज़ाम है आपका 1 घंटे का, तो 1.5 घंटे लगातार सिटिंग की प्रैक्टिस करो। अगर आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटे का है तो 2 घंटे की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, मान लो अगर आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटे का है और 2 घंटे की अगर आपकी सिटिंग बैठ गई तो आपको 1.5 घंटे के अंदर ना तो नींद आएगी और आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है ना, तो 1600 मीटर मत दौड़ो, आपको कम से कम 2 से 2.25 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी ताकि आपको 1600 मीटर के अंदर जोड़ना पड़े और उसके अंदर पूरी एनर्जी दे पाए।
सो प्लीज सबर कराए सर, व्हाटएवर। तो दोस्तों उम्मीद है ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।